नमस्कार, आश्रय तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रमक ज्योति सचार के सारा कृष्ण शर्मा आप सबका स्वागत करते हुए आज के दिन के बारे में बताना चाहेंगे। आज है 24 जून, दिन है रविवार का, चंद्रमा है वृश्चिक राशि में और आज का शुभ समय प्रातःकालीन रहेगा 7:30 बजे से लेके 8:05 तक का। आप दान पुण्य का कुछ भी सामान निकालना चाहते हैं निकाल दीजिए। और उसके साथ ही आज हम आपको बता देते हैं आज आपका भाग्य क्या कहता है। साथ ही आज हम आपको खास चीज़ बताएंगे यदि आप कछुआ रखते हैं, जिसे हम कहते हैं कि भाई धन का प्रतीक माना जाता है, तो कहाँ रखना चाहिए, किधर रखना चाहिए बताएंगे। उसके साथ ही ये भी बता देंगे कि उसकी दिशा के साथ साथ कौन सा वाला रखना चाहिए वो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं भाग्य के पासे से मेष राशि के लिए। मेष राशि वालों के लिए भाग्य के पासे का नंबर है 1, 3, 4, 8। मेष राशि वालों 8 आपके लिए बताता है कि आज किसी काम को लेकर हो सकता है किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात करने जाएं तो आज आपका काम बन सकता है। हम बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए भाग्य के पासे का नंबर कहता है 3, 4, 3। काउंट करते हैं 10 को तो 1 ये बताता है वृषभ राशि वालों आज आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम दिन रहने वाला है। मगर यहाँ पर एक चीज़ दिखाई देती है, पिता की तरफ थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, पिता के स्वास्थ्य पर का स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों भाग्य के पासे का नंबर आपके लिए कहता है 1, 3, 7। मिथुन राशि वालों आपके लिए 7 जो ये बताता है कि आज हो सकता है कोई छुपे हुए शत्रु होते हैं आपको परेशान करें, हो सकता है कुछ ऐसे लोग जिसकी वजह से आज आप परेशान हो सकते हैं। जब हम शत्रुओं से की ही बात करेंगे, शत्रुओं से आप परेशान रहेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना है और सावधानी भी बरतनी है। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि कर्क। कर्क राशि वालों भाग्य के पास एक नंबर है 2, 4, 1, 7 आपके लिए भी 7 ये बताता है कर्क राशि वालों कि आज हो सकता है घूमने फिरने जाएं, यात्रा को योग बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज जो है आपका मन घर में तो नहीं रहेगा, घूमने फिरने में ज़्यादा रहेगा। हम बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों भाग्य के पास एक नंबर है 2, 4, 3, 9। आपके लिए बताता है आज किसी से बहस हो सकती है, किसी के साथ में आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं तो ध्यान देना है, वाणी का अच्छा सा उपयोग करें। हो सकता है कठोर वाणी या कड़वी वाणी की वजह से क्या हो सकता है किसी के साथ हमारे संबंध बिगड़ जाए। हम बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों भाग्य के पास एक नंबर आपके लिए क्या कहता है 2, 4, 3, 9। ये बताता है कि आज मानसिक रूप से कुछ परेशान रहेंगे, कुछ पुरानी बातों को याद करके हो सकता है उस बातों को लेके घर में लोगों के साथ चर्चा करते करते हो सक जाए कि ज़्यादा विवाद हो जाए जिसकी वजह से आप परेशान होंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा ऐसा ना करें, पुरानी बातों को ना उखाड़ें। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि तुला। तुला राशि वालों भाग्य के पास एक नंबर आपके लिए कहता है कि 3, 4, 2, 9 आपके लिए भी भाई 9 आपके लिए, मगर ये बताता है हो सकता है आज खरीदारी की कोई बातचीत चल रही हो जिसके साथ ही आज अपने घर में किसी बड़े की अगर सलाह ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा। तो आज जो है पिता की सलाह या किसी बड़े की सलाह ले के कोई खरीदारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि। अगली राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों भाग्य के पास एक नंबर है 2, 4, 1। काउंट करते हैं तो 9 ये बताता है आपके लिए कि अपना ज़्यादा दबाव किसी के ऊपर डालने से या अपनी बातों का ज़्यादा प्रभाव किसी के ऊपर ज़्यादा बनाने से क्या हो सकता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है हो सकता है आज आपसे निराश हो जाए और आपकी बात को अच्छे से ना रिस्पॉन्स कर पाए। तो थोड़ा सा अपने स्वभाव में कठोरता ना लाएं, अपनी वाणी में थोड़ा सा मिठास लाने की ज़रूरत है तभी अच्छा रहेगा। हम बात करते हैं अगली राशि धनु। धनु राशि वालों भाग्य के पास एक नंबर है 2, 1, 3, 6। धनु राशि वालों 6 आपके लिए बताता है अचानक आज हो सकता है खर्च ज़्यादा हो जाए, घूमने फिरने जा सकते हैं, हो सकता है आज खरीदारी भी करें, अपने जीवन साथी के साथ प्रेमी युगल अपने प्रेमी के साथ में या प्रेमिका के साथ में खर्च करेंगे तो आज का दिन जो है बस मौज मस्ती में गुजरने वाला। हम बात करते हैं अगली राशि मकर। मकर राशि वालों भाग्य के पास एक नंबर आपके लिए कहता है 2, 1, 3, 6। मकर राशि वालों 6 आपके लिए बताता है कि आज किसी को उधारी ना दें, हो सकता है आज आप धोखे का शिकार भी हो जाए तो उधारी ना दें, साथ ही जो भी कागजात पे साइन कर रहे हो तो बिल्कुल सोच समझ के करिएगा। मैं तो यही कहूँगी आज मत करिए, हो सकता है आज आपके साथ कोई धोखा हो जाए। हम बात करें कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों भाग्य के पास एक नंबर है 1, 4, 2, 7। 7 ये बताता है कुंभ राशि वालों
कि आज हो सकता है कोई विदेश जाने की बातचीत चल रही हो, तो विदेश जाने के आज का बहुत अच्छा योग भी है साथ ही यहाँ पर, या विदेश या से कोई आ जाए आपसे मिलने, तो टोटल यही कह सकते हैं या तो आपके योग बनेंगे या कोई विदेश से आ सकता है, कोई अचानक आपसे कोई मुलाकात होगी, इसके साथ ही किसी ऐसे विशेष व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपके काम काज के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहेगा। हम बात करते हैं अगली राशि मीन। मीन राशि वालों, भाग्य के पास एक नंबर है, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 4, 9 नंबर। मीन राशि वालों, 9 नंबर आपके लिए बताता है अचानक हो सकता है कि थोड़ा आपका चिड़चिड़ा स्वभाव किसी के साथ आपकी बात बिगाड़ दे, इसके साथ ही यहाँ पर बता दें कि स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, सुनी सुनाई बातों के चक्कर में आ सकता है किसी की बातों में, यानी सुनी सुनाई बातें होती है, किसी ने ये कहा, इसके चक्कर में आकर आज किसी के साथ में, किसी प्रिय के साथ में आज अपना झगड़ा कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सुनी सुनाई बातों में मत आइएगा। अब हम बताते हैं वो खास उपाय। खास उपाय ये है कि आप कछुआ रख लेते हैं, कछुआ तो रख लेते हैं, यदि धातु का रखा है आपने तो धातु का आपने किस जगह रखा है, एक तो मिट्टी का तो बिल्कुल नहीं रखना है, धातु का रखना है तो उत्तर दिशा की तरफ रखिएगा, और क्रिस्टल का रख रहे हैं तो भी आप उत्तर दिशा की तरफ रखिएगा, और रखिएगा ऐसे कि आपके घर की तरफ अंदर आता हुआ हो, और हो सके तो थोड़ा सा पानी जरूर डाल दीजिएगा। पानी डालने से क्या होता है कि उससे जो है जल तत्व का, एक तो हमें उत्तर दिशा तो वैसे भी जल तत्व की तरफ का दिखाई देता है, और साथ ही यहाँ पर एक चीज़ बता दें, जल तत्व तो है ही उत्तर दिशा, वहाँ पर कुबेर जी भी हैं, महालक्ष्मी जी का भी निवास है, तो पूरी तरीके से ये कहते हैं कि पानी जरूर डाल के तब उसमें जो है आप कछुआ रखिएगा, चाहे वो धातु का रखें चाहे क्रिस्टल का रखें। उसके बाद अगर हो सके तो कछुए के पैरों के नीचे एक तांबे का सिक्का जरूर दबा दीजिएगा, तांबे का नहीं तो चांदी का ये सिक्का जरूर दबा दीजिएगा, यकीन मानिए आपके घर में जो आर्थिक संकट बना हुआ है वो संकट दूर हो जाएगा। कल एक नए विषय के साथ में, नए उपाय के साथ में मुलाकात करते हैं, आप तब तक सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को और लाइक करते रहिए एस्ट्रो तक को। जय महादेव।